हेलो बच्चों जय हिंद जय राजधानी तो पिछले क्लास में हम लोग स्केलेटल टिश्यू पे डिस्कस कर रहे थे ना तो बताया था स्केलेटल टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं कार्टिलेज एंड बोन्स तो कार्टिलेज और कार्टिलेज के टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फिर हम लोगों ने बोन्स स्टार्ट करा था तो बोन के बारे में मैंने बताया था कि ये सॉलिड और रिजिड स्केलेटल टिश्यू है और बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है है ना और इसे ओसियस टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओसिन प्रोटीन होता है ठीक है फिर मैंने बताया था कि ये जो बोन्स uh, हैं ये वर्टिब्रेट्स uh, का एंडोस्केलेटन बनाते हैं ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं तो Uh, यह भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये जो वर्टिब्रेट्स uh, हैं तो अलग अलग वर्टिब्रेट्स के बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो फिर हम लोगों ने uh, एक मेमेलियन बोन लॉन्ग मेमेलियन बोन स्टार्ट करा था है ना लॉन्ग मेमेलियन बोन तो मैंने बताया था कि जैसे हमारे लिम्स के जो बोन होते हैं जैसे हमारे लिम uh, और लिम के जो बोन्स होते हैं तो ये लॉन्ग बोन्स में आते हैं तो एक बोन को हम लोगों ने यहां रखा था है ना ओके okay, तो ये एक लॉन्ग मेमिलियन बोन है बच्चों तो ये जो लॉन्ग में बोन है इस बोन का जो ये मिडिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज डायाफिस और शाफ्ट यानी इसे दंड कहते हैं और ये जो एंड्स पे यानी छोर पे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एपी फाइसिस यानी उपदंड बोलते हैं ये भी है और ये भी एपीफाइसिस है ओके तो फिर इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो एपीफाइसिस और डायफाइसिस है इन दोनों पार्ट्स के भी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग डाइफाइसिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो इस डाइफाइसिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे बच्चों एक अनुप्रस्थ काट लेंगे ठीक है ना तो ओके okay. तो इस डायफाइसिस का अगर हम अनुप्रस्थ काट लेंगे तो ओके तो इस डायफाइसिस का अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह का आएगा क्रॉस ये ओके okay. इस ट्रांस इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लेंगे ठीक है तो ये इस तरह से आएगा ओके okay. ठीक है बच्चों तो ये एक लॉन्ग मेमिलियन बोन के डायफाइसिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखेंगे कि ये जो डाइफाइसिस का कट है इसके सेंटर पे एक बड़ी सी कैविटी होती है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज कैविटी ठीक है दिस कैविटी इज कॉल्ड एज कैविटी और इस मैरो कैविटी में एक टिश्यू भरा होता है दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरोज कॉल्ड एज बोन मैरोके तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि बोन मैरो जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं रेड एंड येलो तो येलो जो बोन मैरोट इज वॉट दैट इज सिंपली एडिपोस्ट टिश्यू ओके फैट है लेकिन ये जो रेड बोन मैरो होता है ये रेड बोन मैरो रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू होता है और इस रेड बोन मैरो में ही आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है बच्चों अब ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है बच्चों बोन का इसमें देखो बोन का जो आउटर कवरिंग है इस आउटर कवरिंग ये जो आउटर कवरिंग है इस आउटर कवरिंग को हम पेरी ऑस्टियम कहते हैं और ये जो कैविटी है इसकी कवरिंग को हम लोग एंडो ऑस्टियम कहते हैं और बीच का जो पार्ट है ये दिस इज वॉट मैट्रिक्स ओके यानी ये जो शाफ्ट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स पेरिओस्टियम एंडोस्टियम एंड मैट्रिक्स पास समझ में आगे बच्चों पेरियस्टियम एंडोस्टियम एंड मैट्रिक्स तो अब जरा तीनों पार्ट को हम लोग अलग अलग डिस्कस करें पेरी ये जो पेरी ओस्टियम है बच्चों ये आउटर मोस्ट कवरिंग है वो उनका आउटर मोस्ट थिक कवरिंग है यानी मोटी बाहरी परत है और ये जो है दो लेयर का बना होता है ओके ये जो बाहर वाला पार्ट है दिस इज वॉट फाइब्रस शीत फाइब्रस शीत ओके और ये फाइब्रस शीत के नीचे ये सेल की जो लेयर दिख रही है दिस इज वॉट दिस इज दिस इज ए लेयर ऑफ ऑस्ट्रोप्रोजेनाइटर सेल्स ठीक है ओके तो ये जो फाइव फाइबेम है बच्चों ठीक है तो पेरियोस्टियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स लेस्टियम में दो लेयर होते हैं बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस शीत यानी तंतु स्तर और अंदर वाला जो लेयर है दैट इज ऑस्टियोप्रोप्रोजेनाइटर सेल्स लेयर ये लेस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स का एक लेयर है ठीक है ना अब एक एक करके बात करते हैं ये जो फाइब्रस शीत है बच्चों ये फाइब्रस से ध्यान रखोगे कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ठीक है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक मोटी परत होती है और मसल का जो टेंडन होता है वो इसी में इंसर्ट करता है ठीक है तो आपने पहले पढ़ा ही होगा कि टेंडन जो है मसल को बोन से जोड़ता है ओके तो ये वाइट फाइब्रस शीत की बनी होती है और इसमें खूब सारे ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स होते हैं और उनके ब्रांचेज जो है वो मैट्रिक्स में भी आते हैं ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बोन है ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है बोन इज ए हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर ठीक है और इसी वजह से बोन्स में जो हीलिंग एंड रीजनरेशन है यानी पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है क्लियर है अगर फ्रैक्चर हो जाता है बोन तो कुछ ही महीनों में वो फिर फिर से जुड़ जाता है है ना बोन ठीक हो जाता है ओके okay, तो फाइब्रस से समझ गए कि ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक थिक लेयर है ओके नाउ ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स ठीक है ये जो ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स है बच्चों ये बोन्स के अनडिफ्रेंसीटेड सेल्स है ठीक है ना अब ये ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड एंड डिफ्रेंसीएट यानी विभाजन और विभेदन करके नए सेल्स बनाते हैं एंड दिस आर कॉल्ड एज ओस्ट्रियो सेल्स ठीक है ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोन फॉर्मिंग सेल्स ठीक है ना तो ये जो ओस्ट्रियो ब्लास्ट सेल्स हैं इन्हें बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं तो ये जो ओस्ट्रियोप्रोजेनाइटर सेल्स है बच्चों ये डिवाइड एंड डिफ्रेंसीट करके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं और उसे अंदर की तरफ भेजते हैं तो चारों तरफ से ऑस्टियोब्लास्ट जो है अंदर आता है ठीक है अंदर की ओर आता है और अंदर आने के बाद ये क्या करते हैं कि बोन का जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में जो फाइबर्स है इन दोनों का सिक्रीशन करते हैं क्लियर है बच्चों यानी ये जो बोन का मैट्रिक्स और बोन के मैट्रिक्स में जो फाइबर्स दिस ऑल आर सेक्रेटेड बाय व्हाट दिस ऑल आर सेक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बोन फॉर्मिंग सेल्स अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन भी सेक्रेट करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओसीन ओसीन प्रोटीन ठीक है ना ओसीन प्रोटीन बोलते हैं ठीक है, है बच्चों तो ओसिन प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका बोन्स का और आ, कम बॉडी में ये ओसिन प्रोटीन जो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो कि बोन्स में ही पाए जाते हैं ठीक है ना ओके okay, तो ओस्ट्रियोप्रोजेनाइटेड सेल्स ने ओस्ट्रोब्लास्ट सेल बनाया और ओस्ट्रोब्लास्ट सेल ने मैट्रिक्स एंड फाइबर से किया ओसिन प्रोटीन से किया अब जब ये ओस्ट्रियोब्लास्ट सेल मैच्योर हो जाते या हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं तो ये एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ओस्टियो साइट्स ठीक है बच्चों ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं क्लियर है ठीक ये जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोन सेल्स और ये जो बोन सेल्स होते हैं यानी ऑस्टियोसाइट्स ये छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं एंड दिज स्पेसेस आर कॉल्ड एज यानी इन छोटे छोटे स्थानों को Lacuna कहते हैं ठीक है ना इन छोटे छोटे स्पेसिस को क्या कहते हैं लेक्यूना यानी रिक्तिका कहते हैं क्लियर है, है बच्चों तो ये हो गया पेरी ओस्टियम अब जरा एंडोस्टियम की बात करें तो ये जो एंडोस्टियम है बच्चों ये जो एंडोस्टियम है ये बिल्कुल पेरी ओस्टियम के जैसा ही होता है ठीक है ना और इसमें फाइब्रस सीथ अंदर होता है और ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं ठीक है तो यानी एंडो में भी फाइब्रस सीत और ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक जैसा फंक्शन पेरियोस्टियम का है वैसा ही फंक्शन एंडो का है ये जो एंडो है बच्चों ये आ, इस एंडो का जो अंदर वाला फाइब्रस सीथ है वैसे ही वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और ये जो बाहर ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल है ये भी डिवाइड एंड डिफ्रेंसीट करके ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाते हैं और उन्हें बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है और चारों तरफ सभी चारों ओर से क्या होता है ऑस्टियोब्लास्ट बाहर की तरफ जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट का तो फंक्शन आप जानते ही हो कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है ये ये मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रीट करता है ठीक है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है, है मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रीट करते हैं क्लियर तो अगर हमसे पूछा जाए कि बोन का जो ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है तो हम क्या जवाब देंगे तो हमारा जवाब होगा बाई डायरेक्शनल ग्रोथ ओके क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट बाहर से अंदर भी आ रहे हैं अंदर से बाहर भी जा रहे हैं तो हम लोगों ने ओस्ट और एंडोस्टियम दोनों डिस्कस कर लिया अब हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं ठीक है थेके? तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये चलो जरा मैट्रिक्स की बात करें ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये मैट्रिक्स ध्यान रखोगे कि मेन बल्क बनाता है किसका बोन का यानी बोन का जो ज्यादा पार्ट है वो क्या है मैट्रिक्स है ठीक अब ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है ठीक है मैट्रिक्स जो है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है क्या आप बता सकते हो कि बोन के मैट्रिक्स में ज्यादा अमाउंट किसका होता है इनऑर्गेनिक्स का या ऑर्गेनिक का ठीक है तो आंसर होगा क्या इनऑर्गेनिक 60 टू 65 परसेंट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और 35 टू 40 परसेंट जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ठीक है बच्चों और यह भी ध्यान रखोगे कि एज के बढ़ने के साथ साथ उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अमाउंट और बोन में बढ़ता चला जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या है कम होता जाता है इसीलिए ओल्ड एज में क्या हो जाते हैं हमारा जो हमारे जो बोन्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं ब्रिटल मतलब भंगुर हो जाते हैं और जल्दी टूटने के लायक बन जाते हैं ठीक है, है? यानी फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ओके okay, अब मुझे ये बताओ आपकी ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है बोन के मैट्रिक्स में तो बोन के मैट्रिक्स में बच्चों ध्यान रखोगे कैल्शियम फॉस्फेट सी ए थ्री फोर का होल्ड टू सी ए ओ एच का होल्ड टू ये हाइड्रॉक्सी एपेटाइट कहलाता है क्या कहलाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट और ये 85 परसेंट अकेले ये होता है ठीक है कैल्शियम फॉस्फेट जो है 85 परसेंट होता है इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है एम जी थ्री फोर का होल टू कैल्शियम कार्बोनेट होता है सी एस होता है सी एफ टू यानी कैल्शियम फ्लोराइड भी होता है ठीक है बच्चों क्लियर अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बच्चों इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है वैसे ही है यानी म्यूकोपोलीसेक्राइड जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड कॉन ड्रॉय सल्फेट राटन सल्फेट उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ओसीन प्रोटीन एंड कोलेजन फाइबर्स क्लियर है बच्चों तो ये सभी मिलके मोन्स के ऑर्गेनिक पार्ट को बनाते हैं क्लियर है बच्चों अब जरा बात को आगे बढ़ाई जाए ये जो बोन का मैट्रिक्स है बच्चों ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ठीक है ना इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर है लेकिन ये पेरीओस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में ऐसे ही भरा नहीं होता बल्कि बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज होता है लेयर्स के फॉर्म में और उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं उन लेयर्स को लेमिली बोलते हैं क्या बोलते हैं पटल ठीक है तो चलो जरा हम लोग मैट्रिक्स के अरेंजमेंट को देखते हैं ओके okay. तो देखो ये शाफ्ट का क्या है ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये मैरो कैविटी है यह मैरोज वॉट ओके बच्चों तो इस कैविटी के पैरेलल इस कैविटी ये जो कैविटी है बच्चों इस कैविटी के पैरेलल जैसे देखो दिस इज कैविटी ये कैविटी जो है बोन के लॉन्गिट्यूड जा रहा है इस तरह से अंदर है ना और इसी कैविटी के पैरेलल नैरो कैनाल्स रन करते हैं ओके okay. ये इस तरह से ये भी लेंथ के डायरेक्शन में ही जा रहा है इस तरह से ओके okay. तो ये जो मैरो uh, कैबिटी के पैरेलल जो नैरो चैनल्स रन कर रहे हैं दिस आर कॉल्ड एज हैवर्सिन कैनाल वर्सियन कनाल्स ओके इन्हें हैवर्सियन नाल कहा जाता है ठीक है और ये मैरो कैविटी मज्जा गुहा के समानांतर आ, शाफ्ट यानी डायफाइसिस की लंबाई की दिशा में व्यवस्थित होता है ठीक है ना अब ये जो दो हैवर्सियन केनाल्स होते हैं बच्चों इन दो हैवर्सियन कैनाल को कुछ ट्रांसवर्स कैनाल्स आपस में जोड़ते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्या वोकमैन कैनाल वोकमैन कैनाल बात समझ में आ गई और ये भी ध्यान रखोगे कि ये जो हैवरसिन कैनाल और वोकमैन कैनाल है ये दोनों कैनाल्स जो है सिर्फ मैमल के ही लॉन्ग बोन्स के डायफाइसिस या शाफ्ट में प्रेजेंट होते हैं इवन एपिफाइसिस शॉर्ट बोन फ्लैट बोन्स मैमल के इनमें नहीं होते हैं और दूसरे वर्टिब्रेट के बोन में तो होते ही नहीं है ठीक है ना सिर्फ मैमल के लॉन्ग बोन के डायफाइसिस में ही हैवरसिन कैनाल और, और वोकमैन कैनाल प्रेजेंट होते हैं ये जो हैवर्सिन कैनाल और वोकमैन कैनाल है बच्चों इनमें आर्टरी वेन्स नर्व फाइबर्स और लूज कनेक्टिव टिश्यू और कुछ बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना ध्यान रखोगे कि हेवरसन कैनाल एंड वोकमैन कैनाल में एक आर्टरी एक वेन फिर नर्व फाइबर्स होते हैं और थोड़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसमें बोनसेल ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं ओके okay. अब बच्चों ध्यान रखोगे कि ये जो हैवर्सियन कैनाल है इस हैवर्सियन कैनाल के, के अराउंड जो मैट्रिक्स होता है यानी जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर है मैट्रिक्स वो इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं ठीक है इस तरह से और इन मैट्रिक्स के लेयर्स को हम बोलते हैं क्या इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना तो इन मैट्रिक्स के लेयर्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमली या हैवर्सियन लैमली हैवर्सियन लैमेली ओके यानी है पटले ठीक है तो सारे हेवरसिन कैनाल के चारों ओर इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं ओके कुछ 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 लेयर्स यानी मैट्रिक्स के कुछ लेयर्स जो होते हैं इस एंडो ऑस्टियम के अराउंड भी इस तरह से होते हैं और कुछ पेरी ऑस्टियम के नीचे होते हैं ठीक है तो इन्हें हम सरकम फेरेंसियल लैमेली कहते हैं क्या कहते हैं इन्हें इन्हें सरकम फेरेंसियल लैमेली बोलते हैं क्लियर है बच्चों तो यानी परिधीय पटले ठीक है तो बात समझ में आ रही है कि ये जो मैट्रिक्स है बोन का वो ऐसे ही भरा हुआ नहीं है पेरी ओस्टियम और एंडोस्टियम के बीच बल्कि ये क्या है बल्कि ये अरेंज है एक कई लेयर्स के फॉर्म में इन लेमली के फॉर्म में अरेंज हैसियन है लेमली और कौनसन कौन, कौन, सरकम लैमिली अब देखो ये जो हैवर्सियन लैमली और सर्कम फेरेंसियल लेमली यानी कोई भी लैमिली हो ठीक है ना इन लैमली में इन लैमिली में बच्चों छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं देखो ये छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं बहुत ही माइन्यूट सारे लैमली में जो है ना छोटे छोटे इस तरह से स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इन स्पेसेस को ही हम क्या कहते हैं यानी रिक्तिका रिक्तिकाएं और इन्हीं रिक्तिकाओं में ठीक है बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता ओस्टियोसाइट्स इन्हीं में प्रेजेंट होता ठीक है बच्चों? अब ये जो लैकुनी है बच्चों, देखो एक लैकुनी को यहाँ कुछ लैकुनी को निकाल के रखा गया ये जो एक लेयर ये है ये दूसरा लेयर है यानी लैमली है तो इसमें लैकुनी इस तरह से होता है दिख रहा है ये 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 सभी जो इेगुलर स्पेसेस दिख रहे हैं यानी अनियमित आकार के जो स्थान दिख रहे हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं लकुनी कहते हैं और एक लकुना जो है अपने चारों ओर के लकुने से ये नैरो चैनल्स के थ्रू जुड़ा होता इन चैनल्स को हम कनाली कुली कहते, कहते हैं क्या कहते हैं कनाली कुली यानी एक रिक्तिका यानी एक लैकुना जो है अपने चारों तरफ के लैकुनाओं लैकुना लकुनी से यानी रिक्तिकाओं से बहुत ही नैरो चैनल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और इन चैनल्स को हम कहते हैं कनाली कुली और देखो इसी इ, 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 इसी लैकुना में ये ओस्टियोसाइट सेल्स हैं प्रेजेंट ओके ये देखो एक ओस्टियोसाइट्स है ये दूसरा ऑस्टियोसाइट है ये तीसरा ऑस्टियोसाइट है ओके तो दीज आर वॉट ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन बोन सेल्स के जो प्रोसेसेस होते हैं ठीक है वो इन्हीं कनाली कुली से होकर गुजरते हैं और एक सेल का जो प्रोसेस है दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो है एक प्रोटोप्लाज्मिक नेटवर्क बना हुआ है किसका ओस्टोसाइट का यानी बोन सेल्स का उनके जो प्रोसेसेस है जिन्हें फिलोपोडिया कहते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्लियर है ओके okay, तो ये अरेंजमेंट हमने देख लिया कि कैविटी uh, के कैविटी के चारों ओर Uh, क्या होते हैं बहुत ही नैरो चैनल्स होते हैं जिन्हें हैवर्सिन कैनाल कहते हैं वो मैरोबिटिक के पैरल लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं और हर एक हैवर्सिन कैनाल के चारों ओर जो है वो मैट्रिक्स के लेयर्स होते हैं जिन्हें कॉन्सेंट्रेट लैमिली कहते हैं या हैवर्सिन लैमली कहते हैं कुछ सरकम फेरेंशियल लैमली भी होते हैं और लैमली कोई भी हो हर लै लैमिला में क्या होगा कि छोटे छोटे स्पेसेस होंगे माइन्यूट स्पेसेस होंगे इनको हम लोग लेकुनी कहते हैं और लैकुनी जो है आपस में कनाली के थ्रू जुड़े होते हैं और हर एक लैकुना में एक सिंगल एक से ज्यादा नहीं सिंगल ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं ओके okay बच्चों अब ये एक हैवर्सियन कैनाल एक हैवर्सियन कैनाल उसके चारों तरफ प्रेजेंट जितने भी लैमली है वो उनमें प्रेजेंट लकुना कनालिकुली एंड ओस्टियोसाइट ये पूरा एक सिस्टम जो है पूरा एक सेट जो है ये दिस इज कॉल्ड एज हैवर्सियन सिस्टम और इसे ओस्टियोन कहते हैं ठीक है बच्चों यानी एक हैवर्सिन कैनाल उसके चारों ओर प्रेजेंट हैवर्सिन लैमेली, उनमें प्रेजेंट लकुना कनालिकुली एंड ओस्टियोसाइट सभी मिलके एक यूनिट बनाते हैं एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट दैट यूनिट इज कॉल्ड एज हैवर्सिन सिस्टम और ओस्टियोन ओके इस यूनिट को हैवर्सिन सिस्टम और ओस्टियोन बोलते हैं और ये ओस्टियोन जो होता है वो बोन्स का व्हाट बोन्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ठीक है ना बोन्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं क्या हैवर्सिन सिस्टम और ओस्टियोन अगर बोन्स में या यावर्सिन सिस्टम का नंबर बढ़ता है तो बोन के डायमीटर में इंक्रीज होगा यानी बोन की मोटाई यानी उसका डायमीटर बढ़ेगा जितने ज़्यादा हैवर्सिन सिस्टम या ओस्टियन होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे उतना ज़्यादा ये आ, बोन की मोटाई होगी क्लियर है बच्चों अब एक एक बात और हम लोग डिस्कस करें कि जैसे एक बोन के शाफ्ट यानी डायफाइसिस का जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम देख रहे हैं ठीक है ना वो ये है ठीक है उसमें ऑस्टियोन्स का अरेंजमेंट है तो सवाल ये है कि क्या यह अरेंजमेंट क्या यह अरेंजमेंट जो है वो परमानेंट है या टेम्पररी है यानी जो ये ओस्टियोन का स्ट्रक्चरल पैटर्न है यानी संरचनात्मक विन्यास जो है सजावट जो है ओस्टियोन का वो जैसा अभी दिख रहा है जीवन भर उस बोन के अंदर वैसा ही रहेगा या चेंज होगा तो ध्यान रखोगे कि ये जो है चेंज होगा ठीक है ये चेंज होगा और बदलता जाएगा ठीक है तो बोन्स की जो है रिमॉडलिंग होती रहती है यानी बोन के अंदर जो है एज के बढ़ने के साथ साथ जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से आ, ये ओस्टियोन का अरेंजमेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी चेंज होता रहता तो आखिर ये पुराने आ, जो लैमिली है ये जाते कहाँ है ठीक है पुराने लैमिली कहाँ जाएंगे तो अभी तक हम लोगों ने बोन्स के अंदर तीन तरह के सेल डिस्कस किए वॉट ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल ओस्टियो सेल एंड ओस्टियो साइड सेल्स ओके बोन के अंदर बच्चों ध्यान रखोगे कि एक और भी बोन एक और भी तरह का सेल होता है ठीक है बोन के मैट्रिक्स में एक और टाइप का सेल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओस्टियो क्लास्ट ओस्टियो क्लास सेल्स ओके तो ये जो ओस्टियो क्लास सेल्स है बच्चो ये ध्यान रखोगे की ज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोन डिजॉल्विंग सेल्स और बोन ब्रेकिंग सेल्स ठीक है बोन डिजोल्विंग सेल्स या बोन ब्रेकिंग सेल यानी अस्थि विखंडन कोशिका बोलते हैं ठीक है ना तो जब uh, मैंने ये बोन स्टार्ट करा था डिस्कस करना तो शुरू में मैंने uh, बताया था कि ये जो बोन होता है ये हमारे बॉडी का कैल्शियम बैंक है ठीक है हम फूड खाते हैं ठीक है तो वो फूड जो है एलिमेंट्री uh, कैनाल में चला जाता है और उस फूड में प्रेजेंट कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ जाता है फिर ब्लड जो है उस कैल्शियम को एक्सेस कैल्शियम को जो अतिरिक्त कैल्शियम है उसको बोन में जमा कर देता है ठीक है किस फॉर्म में तो लैमली के फॉर्म में स्टोर करता है क्योंकि लैमली में कैल्शियम फॉस्फेट है लेकिन जब हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल फॉल कर जाता है कम हो जाता है तो फिर ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आता है तो ब्लड में कैल्शियम बच्चों बोन से ही आता है ठीक है ना तो बोन्स से कैल्शियम कैसे बाहर आएगा तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं यानी बोन ब्रेकिंग सेल्स या बोन डिजोल्विंग सेल्स ये बोन के मैट्रिक्स यानी लैमली को ब्रेक करते हैं उन्हें तोड़ते हैं ठीक है और उस मैट्रिक्स यानी लैमली के ऑर्गेनिक पार्ट को तो ये मेटाबोलाइज कर जाते हैं ठीक है यानी उसका उपापचयन कर जाते हैं लेकिन जो इनऑर्गेनिक पार्ट है यानी कैल्शियम फॉस्फेट है उस कैल्शियम को ये ब्लड में गिराते हैं जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो एक तरह से क्या हो रहा है या ऑस्ट्रियो सेल क्या कर रहा है ऑस्टियोक्लास सेल जो है इन लैमली को ब्रेक कर रहा है लैमली को तोड़ रहा है ठीक है लेकिन जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की अवेबिलिटी हो जाती है ठीक है यानी कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस फिर ओस्टियोब्लास्ट जो है नया मैट्रिक्स बनाता है और नए लेमली बनाता है ठीक है ना तो इस तरह से लेमली बदलते रहते हैं ठीक है ना यानी पुराने लेमली बाहर जाते हैं टूट के बाहर जाते हैं उनका कैल्शियम बाहर जाता है और फिर उसके जगह पे या अलग जगह पे नए मैट्रिक्स का यानी नए लेमली का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब एक सवाल सवाल यह है कि ये जो ओस्टियो सेल्स है इस ओस्टियो सेल को स्टिमुलेट कौन करता है ठीक है तो इस ऑस्टियो सेल को देखो कैसे यह स्टिमुलेशन होता है तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा थारोइड ग्लैंड है ठीक है तो इस ग्लैंड के पीछे चार पैराथारॉयड ग्लैंड्स चिपके होते हैं है ना और ये पैराथारोइड हारमोन पैराथारवाइड ग्लैंड जो है ये जब ब्लड का कैल्शियम लेवल फॉल करता है यानी कम हो जाता है ब्लड का कैल्शियम लेवल जब कम हो जाता है तो ये पैराथ्रोमोन हार्मोन जिसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं सेक्रेट करते हैं तो वो जो कॉलिप हार्मोन है यानी पैराथ्रोमोन जिसे पी टी एच भी कहते हैं पैराथ्रोमोन हार्मोन ठीक है ये ओस्ट्रियोब्लास्ट सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और ये ओस्टियोब्लास सेल जो है कुछ साइटोकिन्स ठीक है कुछ साइटोकिन्स केमिकल से क्रिएट करता है और वो साइटोकिन केमिकल जो है ओस्टियोक्लास सेल को स्टिमुलेट करता है ठीक है ना ओस्टियोब्लास सेल पैराथ्रोमोन हार्मोन जो है ओस्टियोब्लास सेल को स्टिमुलेट करता है फिर वो ओस्टियोब्लास सेल साइटोकिन सेक्रेट करते हैं केमिकल और वो केमिकल जो है ओस्टियोक्लास सेल को सेक्रेट कर आ, स्टिमुलेट करता है प्रेरित करता है और फिर ओस्टियोक्लास सेल जो है वो क्या करते हैं वो इन लैमली को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और ब्लड में कैल्शियम रिलीज करते हैं ठीक है तो इस तरह से बोन का ब्रेक डाउन होता है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा पैराथ्रोमोन हार्मोन का सिक्रीशन हो तो ओस्टियोक्लास सेल हाइपर एक्टिविटी करेंगे ठीक है ना बहुत ज़्यादा अगर पैराथ्रोमोन हार्मोन का सिक्रेशन हो तो बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे ओस्ट सेल जिसके वजह से आ, बोन का डीमिनरलाइजेशन होगा यानी बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो रिड्यूस करने लगेंगे कम होने लगेंगे और बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वीक हो जाएगा ठीक है तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने बोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को ठीक है बच्चों तो ये डायफाइसिस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे देखो डायफाइसिस में क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो रेगुलर लैमली के फॉर्म में प्रेजेंट है विदाउट एनी गैप कहीं पे कोई गैप नहीं है कोई खाली जगह नहीं है तो इसलिए ये जो डायफैसिस है ये जो डायफेसिस वाला जो पार्ट है ठीक है दिस डायफैसिस इज कॉल्ड एज वॉट इसे हम कहते हैं वॉट कंपैक्ट बोन सघन अस्थि कंपैक्ट बोन कहते हैं सघन अस्थि बोलते हैं या डेंस बोन कहते हैं ठीक है ये हैवी भी होता है और स्ट्रांग भी होता है यानी भारी भी और मजबूत भी होता है ठीक है अब चलो जरा बोन के एपिफाइसिस की बात करें बोन के एपिफाइसिस तो अभी मैंने बताया था कि ये बोन का एपिफाइसिस है ये डायफाइसिस है ये एपिफाइसिस है ये ठीक है तो दिस इज वॉट एपिफाइसिस है ना ओके एपिफाइस तो ये जो एपिफाइसिस होता है बच्चों इसमें मैट्रिक्स जो है वो लैमिली के फॉर्म में नहीं होते क्लियर कोई लैमिली यहां पे प्रेजेंट नहीं होता बल्कि इस एपिफाइसिस में मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही पतले पतले सप्टा यानी पट के पतले पट यानी सेप्टा के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं देखो इस तरह से इस तरह से सेप्टा के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये जो सेप्टा है यानी इन्हें हम बोलते हैं क्या ट्रेबे क्यूली क्या कहेंगे इन्हें ट्रेबिकूली और ये जो क्रॉस करते हैं ठीक है तो एक स्पंजी स्ट्रक्चर बनता है जिसके जिसमें क्या है बीच में गैप्स है देखो यहाँ पे गैप है जिसमें बोन मैरो भरा होता है यहाँ पे ठीक है तो इस पार्ट इस तरह के बोन को हम स्पंजी बोन या ट्रेबेकुलर बोन भी कहते हैं ट्रेबेकुलर बोन बात समझ में आ गई तो इस तरह के बोन को हम लोग क्या कहेंगे स्पंजी बोन एंड ट्रेबिक्यूलर बोन क्लियर ओके ठीक है तो ये जो ट्रेबिकुलर बोन या स्पंजी बोन होता है बच्चों ये लाइट होता है हल्का होता है और वीक होता है यानी कमजोर होता है ओके? Okay. चलो तो ये हम लोगों ने लॉन्ग बोन uh, को डिस्कस कर लिया ठीक है शॉर्ट बोन में ज़्यादातर जो होते हैं वो स्पंजी बोन्स होते हैं शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पंजी बोन के ही बने होते हैं और उनमें बोन uh, मैरो भरा होता है ठीक है जहाँ ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये हम लोगों ने बोन के मैमल के लॉन्ग uh, बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अब चलो बच्चों बोन्स के टाइप होते हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस करें तो देखो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब कोई वर्टिब्रेट फीटल स्टेज में होता है ठीक है एम्ब्रियोनिक स्टेज फीटल स्टेज में होता है तो उसका जो पहला एंडोस्केलेटन बनता है दैट इज वॉट दैट इज़ कार्टिलेजिनस ठीक है ना कार्टिलेज का पूरा फ्रेमवर्क बनता है ओके okay, लेकिन बस से पहले ही उस कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क में ऑसिफिकेशन हो जाता है यानी अस्थि भवन हो जाता है और वो सब कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो है मोस्ट ऑफ द अधिकतर क्या होते हैं वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लियर है ना तो इसका मतलब है कि कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो सकता है तो कोई और टिश्यू भी बोन में कन्वर्ट हो सकता बोन है बोन के फॉर्मेशन को हम ओसिफिकेशन यानी अस्थि भवन कहते हैं बोन के ऑसिफिकेशन को क्या कहेंगे अस्थि भवन ठीक है क्लियर तो किस टिश्यू में ऑसिफिकेशन होने से बोन का फॉर्मेशन हो रहा है इसके बेसिस पे हम बोन को चार टाइप में डिवाइड करते हैं ठीक है ठेके? पहला एंडोकॉन्ड्रल दूसरा डर्मल तीसरा सीसा मॉइंट और चौथा विसरल ठीक है ना एंडोकॉन्ड्रल और रिप्लेसिंग और कार्टिलेजिनस चलो इन चार में से पहले टाइप को डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो टाइप है बच्चों ठीक है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकॉन्ड्रल और रिप्लेसिंग और कार्टिलेजिनस बोन इसे हम उपास्थिल अस्थि कहते हैं इसे क्या कहेंगे उपास्थिल अस्थि ठीक है एंडोकॉन्ड्रल और रिप्लेसिंग और कार्टिलेजिनस उपास्थिल अस्थि बोलते हैं ओके okay. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बोन है ये कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन होने से बनेगा ठीक है ना बनता है यानी जब कार्टिलेज में अस्थि यानी उपास्थि में अस्थि भवन हो और वो बोन में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे बोन को हम क्या कहेंगे ऐसे बोन को एंडोकॉन्ड्रल कार्टिलेजिनस बोन कहते हैं या रिप्लेसिंग बोन कहते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है तो शरीर के यानी बॉडी के अधिकतर जो बोन्स होते हैं बच्चों वो ही होते हैं यानी मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ बॉडी ठीक है क्लियर यानी बॉडी के अधिकतर बोन्स जो होते हैं वो ही होते हैं नाउ सेकेंड टाइप इज वॉट डर्मल मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग इससे हम बोलते हैं चर्मस्थी चर्म अस्थि तो चर्म टर्म मैंने बताया था बच्चों कहाँ से आया स्किन से स्किन में दो पार्ट होते हैं एपिडर्मिस एंड डर्मिस ठीक है तो एपिडर्मिस जो है वो एपिथीलियल टिश्यू का, का बना होता है और डर्मिस जो है वो ठीक है एपिडर्मिस जो है वो एपिथीलियल टिश्यू का बना होता है और डर्मिस जो होता है वो वो कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर टिश्यू का बना होता है तो अगर स्किन के डर्मिस में ऑसिफिकेशन हो यानी डर्मिस में अस्थि भवन हो और वो बोन में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे बोन को हम क्या कहेंगे ऐसे बोन को हम डर्मल मेम्ब्रेनस या इन्वेस्टिंग बोन कहते हैं ठीक है ना तो इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे कुछ आ, स्कल के बोन्स हैं जो आ, डर्मल बोन है, जैसे फ्रंटल बोन पेराइटल बोन बाद नेजल बोन वोमर ठीक है फ्रंटल पेराइटल नेजल और वोमर इसके अलावा हमारा जो कॉलर बोन होता है दैट इज क्लेविकल ठीक है यह भी क्या है दिस दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डर्मल बोन ठीक है बच्चों? नाउ सीसा मोइड बोन तो ये सीसा मोइड बोन क्या है बच्चों? तो हम लोगों ने टेंडन डिस्कस करा था याद है ठीक है टेंडन यानी कंडरा और मैंने बताया था कि ये जो कंडरा होता है वो क्या होता है मसल का जो मसल के दोनों एंड पे जो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो बोन को कनेक्ट करते हैं बोन में एंटर कर जाते दिस इज़ कॉल्ड एज टेंडन यानी टेंडन ए टेंडन ज्वाइंस मसल टू द बोन टेंडन ज्वाइंट मसल टू बोन। ओके तो अगर इस टेंडन में अगर इस टेंडन में ऑसिफिकेशन हो यानी टेंडन में अगर अस्थि भवन हो जाए और वो बोन में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे बोन को क्या कहेंगे ऐसे बोन को हम सीसामोइड बोन कहेंगे ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका एग्जाम्पल है पैटेला जिसे हम नी कैप भी कहते हैं क्या कहते हैं नी कैप यानी घुटने की टोपी ये हमारा जो घुटना है पटेला ये किसका बना हुआ है ये सिसमॉइट बोन का बना हुआ है ठीक है और किस टेंडन में ऑसिफिकेशन होने से आ, पेटेला का फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो आ, थाई है बच्चों थाई में एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल क्वाडरी फेमोरिस ठीक है तो ये जो क्वारी फेमोरिस मसल है बच्चों इस मसल के टेंडन में ऑसिफिकेशन होने से ठीक है इस मसल के टेंडन में ऑसीफिकेशन होने से पैटेला यानी नी कैप का फॉर्मेशन होता है क्लियर ओके ठीक है पैटेला या नी कैप का फॉर्मेशन होता है इसके अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हो दैट इज फावेला ठीक है फावेला ये गैस्ट्रोनेमियस मसल दैट इज काफ मसल काफ मसल का जो आ, टेंडन है उसमें ऑसिफिकेशन होने से बनता है और पेटेला के ठीक अपोजिट साइड ये प्रेजेंट होता है ओके तो सिसमाइड बोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अब बच्चों विसरल बोन ठीक है तो ये जो विसरल बोन है ये सॉफ्ट ऑर्गन्स में ऑसिफिकेशन ओके सॉफ्ट ऑर्गन्स में ऑसिफिकेशन होने से इसका फॉर्मेशन होता है यानी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स में अगर ऑसिफिकेशन हो जाए और वो बोन में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे बोन को हम विसरल बोन कहते हैं ठीक है चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स। ऑस कॉर्डिस कॉर्डिस टर्म बच्चों आया है कार्डिया से कार्डिया मीन्स व्हाट कार्डिया मीन्स हार्ट ठीक है तो यदि हार्ट के वॉल में जो कार्डियक मसल है उस कार्डियक मसल में ऑसिफिकेशन हो जाए और वो बोन में कन्वर्ट हो जाए ठीक है अब जैसे ये हार्ट है ठीक है ना तो इसमें जगह जगह पे क्या है की कार्डिक आ, मसल्स का ऑसिफिकेशन हो गया और ये बोन में कन्वर्ट हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज वॉट ऑस्कॉर्डिस और ये जो ऑस्कॉर्डिस है ये हार्ट ऑफ रूमिनेट्स हार्ट ऑफ रूमिनेट्स रूमिनेट्स एग्जाम्पल टियर रूमिनेट्स जानते हो आप कड चूइंग मैमल्स यानी जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी और हिरन ये सभी जो है वो क्या है दिज ऑल आर रोमनेंट जुगाली करते हैं फूड को एक साथ खा लेते हैं फिर थोड़ा थोड़ा वापस माउथ में लाकर बकल क्या में लाकर उसको फिर से मेस्टिकेट करते चबाते हैं और फिर स्वेलो री स्वेलो कर लेते हैं तो इन्हें रोमेन्ट्स कहते हैं तो इनमें कुछ रोमेन्ट्स हैं जैसे डियर वगैरह तो उनके हार्ट में ये ऑस्कॉडिस का फॉर्मेशन होता है यानी हार्ट के वॉल में बोन्स बन जाता है ओके okay, इसके अलावा एक एग्जाम्पल ऑस पैनिस दे सकते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है पैनिस में अगर सिस्न में अगर ऑसिफिकेशन हो जाए यानी पेनिस के अंदर अगर बोन का फॉर्मेशन हो तो ऐसे बोन को हम क्या कहेंगे ऑस पैनिस तो एग्ज़ाम्पल्स इसका क्या देंगे पैनिस ऑफ कार्निवोर्स मांसाहारी जंतु जैसे डॉग्स वगैरह ठीक है इंसेक्टिवोर्स रोडेंट्स उसके अलावा वेल ठीक है बैट और कुछ प्राइमेट्स में बट ह्यूमन में नहीं ठीक है ना ह्यूमन भी एक प्राइमेट है तो कुछ प्राइमेट्स में आ, पैनिस का फॉर्मेशन होता है ठीक इसके अलावा एक एग्जांपल और दे सकते हैं ऑस क्लिटोरिस क्लिटोरिस जो है बच्चों आपको पता होगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है यानी फीमेल का जो वाह्य जननांग है एक्सटर्नल जेनेटीलिया है ठीक है उसमें एक पार्ट है जिसको मेल के पैनिस के होमोलोगस माना जाता है ठीक है ना तो अगर इस क्लिटोरिस में ऑसिफिकेशन हो जाए और क्लिटोरिस के अंदर बोन का फॉर्मेशन हो तो ऐसे बोन को हम क्या कहेंगे ऑस क्लिटोरिस ठीक है बच्चों तो ये है क्लिटोरिस ऑफ सम फीमेल कार्निवोर्स ठीक है क्लिटोरिस ऑफ सम फीमेल कार्निवोर्स ओके ठीक है बच्चों इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग ऑस पैल पिब्री ये क्या है बच्चों ऑफ पैल्पिब्री पेलपिब्रा मीन आईलिड ठीक है पलक पलके तो आई इन द आईलिड ऑफ इन आईलिड्स ऑफ क्रोकोडाइल्स ओके इन आईलिड्स ऑफ क्रोकोडाइल्स तो क्रोकोडाइल्स के आईलिड में पलकों में बोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑसकेटोर ऑस पेल्पिब्री ठीक है बच्चों? तो ये हम लोगों ने बोन्स के टाइप को देख लिया ठीक है ना अब चलो जरा हम कुछ और बात करें बोन पे इलोंगेशन ऑफ बोन यानी बोन की लंबाई में वृद्धि ठीक है बर्थ के बाद लगातार हमारी आ, हमारे बॉडी की लंबाई बढ़ती जाती है ठीक है कैसे बढ़ती है तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स है वो लंबे होते चले जाते हैं यानी लिम्स के जो बोन्स हैं वो लंबे होते हैं तो आखिर बोन का इलांगेशन कैसे होता है हम लोग जरा इसको डिस्कस करें ठीक है तो ये एक लॉन्ग बोन है ठीक है बच्चों ओके ये एक लॉन्ग बोन है ये जो लॉन्ग बोन है इसका मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है डायफाइसिस कहलाता है और ये जो पार्ट है एपिफाइसिस कहलाता है एपीफाइसिस ठीक है तो ये जो एपिफाइसिस और डायफिसिस है इन दोनों के बीच में हाइलीन कार्टिलेज का एक प्लेट फंसा होता है बच्चों ध्यान रखोगे ओके okay, यानी डायफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में दोनों ओर हाइलिन कार्टिलेज का एक प्लेट फंसा होता है एंड दैट प्लेट इज कॉल्ड एज व्हाट एपिफाइसियल ग्रोथ ठीक है एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट बोलते क्लियर है क्या कहेंगे ग्रोथ तो प्लेट है कि ये जो growth plate है, जो किसका बना हुआ है हायलिन कार्टिलेज का बना हुआ है ठीक है।, है ना तो इस प्लेट के इनर साइड पर लगातार जो है ऑसिफिकेशन होता रहता है इस तरह से और जितना ऑसिफिकेशन होता है उतना ये कार्टिलेज नया भी बन जाता है ताकि ये प्लेट जो है कुछ समय तक वैसे वैसे का वैसा ही रहे तो ये जो एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स के इनर साइड पे जो लगातार ऑसिफिकेशन हो रहा है लेयर्स के फॉर्म में इसके वजह से क्या हो रहा है यानी ये दोनों एपिफाइसियल प्लेट्स जो है एज के साथ साथ क्या हो रहे हैं एक दूसरे से दूर खिसक रहे ठीक है ना तो इसके और पीछे की तरफ क्या बना रहे हैं बोन्स बना रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बोन का धीरे धीरे इलोंगेशन हो रहा है ठीक है अब क्या है कि एक सर्टेन एज पर ठीक है एडोलेसेंस के एंड में यानी लगभग 18 इयर्स के एज पर ठीक है ये जो दोनों प्लेट्स होते हैं बच्चों यानी ये दोनों एपिफाइसल ग्रोथ प्लेट्स होते हैं इनका इन दोनों प्लेट्स का पूरी तरह से ऑसिफिकेशन हो जाता है ठीक है इन दोनों प्लेट्स का पूरी तरह से ऑसिफिकेशन हो जाता है और ठीक है ये दोनों प्लेट्स बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है कंप्लीटली बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी काटले जब रह नहीं जाता है ज, जब ऐसा होगा जिस दिन ऐसा होगा कि दोनों प्लेट्स का कंप्लीटली uh, ऑसिफिकेशन uh, हो जाएगा उस दिन से ही फिर क्या होगा कि बोन का इलोंगेशन रुक जाएगा और फिर बोन आगे आगे जो है इलोंगेट नहीं होंगे क्लियर बच्चो? तो uh, है बच्चों तो दिस इज वॉट इलोंगेशन ऑफ दिस इज हाउ इलोंगेशन ऑकस इन लॉन्ग बोन्स क्लियर है ओके तो चलो हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया ठीक है अच्छा थोड़ी सी बात हम लोग बोन मैरो पे कर लेते बोन मैरो दिस इज कॉल्ड एज अस्थि मज्जा ओके अस्थि मज्जा बोलते हैं ठीक है ना तो ये जो अस्थि मज्जा है बच्चों, बोन के अंदर भरा हुआ सॉफ्ट टिश्यू होता है ठीक है एंड ये दो टाइप का होता है एक को बोलते हैं रेड बोन मैरो दूसरे को कहते हैं क्या येलो बोन मैरो ठीक है, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा तो ये जो लाल अस्थि मज्जा है बच्चों, ये प्योरली जो है वेरी लूज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का ही लिंफॉयड ऑर्गन बनता है तो रेड बोन मैरो लिंफॉयड ऑर्गन है ठीक है तो ये काफी लूज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो है आरबीसी डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बनाता है ठीक है ना येलो बोन मैरो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये प्योरली एडिपोज टिश्यू है यानी वसा उत्तक है फैट है ये एडिपोज टिश्यू है अब सवाल ये है बच्चों कि हमारे अब किस बोन में रेड बोन मैरो है और किस बोन में येलो बोन मैरो है तो ऐसा है कि बर्थ के समय हमारे सभी एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे सभी बोन्स में सिर्फ रेड बोन मैरो होता है ठीक है ना लेकिन जैसे जैसे एज का एडवांसमेंट होता जाता है यानी एज जो हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगता है क्लियर है और एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ठीक है बीस से पच्चीस साल के एज में हमारे जो शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में रेड बोन मैरो रह जाता है बाकी सभी में क्या है रेड बोन येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर है बच्चों लेकिन ये भी ध्यान रखोगे कि अगर कोई पर्सन जैसे ब्लड की अगर कमी हो जाए आर की कमी हो जाए तो दिस इज कॉल्ड एज अनिमिया तो अगर किसी पर्सन को सिवियर अनिमिया है यानी बहुत ज़्यादा रक्तहीनता है तो वैसे कंडीशन में ये येलो बोन मैरो जो है टेम्परली रेड बोन मैरो में भी कन्वर्ट होता है ठीक है रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होता है और फिर ब्लड का फॉर्मेशन uh, होता है और आर काउंट जब ठीक हो जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर वापस uh, वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है बात तो समझ में आ गई बच्चों तो आज हम लोगों ने ये स्केलेटल टिश्यू कंप्लीट कर लिया अब अगली क्लास में वैस्कुलर टिश्यू और फिर मस्कुलर पढ़ेंगे ठीक है जय हिंद जय राजधानी ओके